बॉलीवुड के सुपरस्टार ग्रीक गॉड, आप तो सभी उन्हें जानते होंगे, नहीं जानते? आज मैंने उनका पेंटिंग बनाया है। उनका नया मूवी आ रहा है विक्रम वेदा। पोस्टर और टीजर तो आप सबने देखा ही होगा, ट्रेलर आपने देखा ही होगा। बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। ऋतिक का जो नया लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पोस्टर देखते ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसका एक पेंटिंग बना लूंगा। मैं ऋतिक का बचपन से ही फैन रहा हूँ दोस्तों, जब उनकी कहो ना प्यारे मूवी आई थी तब से लेके आज तक। दोस्तों अगर आप आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करते हो और अगर वो पेंटिंग आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो समझिए कि आपने जो भी वर्क किया है वो दिल से किया है और आपका पेंटिंग भी अच्छा हुआ। और जो वीडियो मैंने बनाया है उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा इस पेंटिंग के बारे में, रेफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूँगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो M31 मोबाइल से बनाता हूँ, इसलिए शायद उतने डिटेल्स कैच नहीं कर पाता। मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है इसलिए मैं मोबाइल से ही शूट करता रहता हूँ जो भी वीडियोस है। तो आपको देखने में यहाँ पे इतने कलर्स या शेड्स शायद ना दिख पाए, लेकिन बहुत सारे शेड्स मैं यूज़ करता हूँ और स्किन टोन के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राइंग इतना अच्छे से नहीं हुआ था लेकिन प्रपोर्शन में था और मेरी कोशिश यही है कि कलरिंग में उसको अच्छे से करूँ। रेफरेंस जो है वो लो की वाला रेफरेंस है, शर्ट भी डार्क है और फेस पे भी डार्क है और एक साइड से लाइट आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा रेफरेंस है पेंटिंग के लिए। मैं जब ये पेंटिंग कर रहा था तो मुझे जो मैंने पुष्पा वाला पेंटिंग किया था अल्लू अर्जुन का, वो याद आ रहा था या वो दिमाग में आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फेस पे थोड़ा सा वर्क करके फिर मैंने यहाँ पे जो शर्ट है डेनिम का वो कंप्लीट किया। ग्रीनिश टोन या ब्लूइश टोन यूज़ किए हैं और थोड़ा सा टेक्सचर रहता है डेनिम का वो भी दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मैं मिडल टोन वर्क करूँगा। ये जो डार्क टोन के लिए मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ वो है बर्नट अम्बर। मेरे पेंटिंग की शुरुआत में यही कलर से करता हूँ दोस्तों। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैमल का सिंथेटिक हेयर ब्रश है। यहाँ पे आप देखोगे मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं यूज़ कर रहा, रेड क्रिमजन रेड में ब्लैक मिक्स करके ये शेड मैंने बनाया है जो ऑलमोस्ट ब्लैक की तरह ही दिखता है। बट डायरेक्ट ब्लैक करने से अच्छा है आप ऐसे शेड बनाओ। ये देखो ये जो मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ ज़्यादातर मैं कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, ड्राई ब्रशिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कम पानी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो हेयर है और बियर्ड है वो मैंने एक ही कलर से पूरा फिल कर दिया है, फिलअप किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रेफरेंस में जो बैकग्राउंड है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि ज़्यादा मैं बैकग्राउंड के बारे में सोचता नहीं हूँ लेकिन इस पेंटिंग में जो था वैसे ही मैंने करने की कोशिश की है। 1 point पर्सपेक्टिव में है ये बैकग्राउंड और जो लाइट आ रहा है वो भी ब्लर करने की मैंने कोशिश की है। हाईलाइट वाला जो पार्ट है उसके लिए लेमन येलो उसमें वाइट मिक्स किया। अभी मैं फेस पे जो मिडल टोन है वो कर रहा हूँ तो उसके लिए ऑरेंजिश ब्राउनिश शेड यूज़ कर रहा हूँ, उसमें नेपल्स येलो जैसा कलर भी मैं ऐड कर रहा हूँ और कई जगह पे सैप ग्रीन भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ऋतिक के अगर फेस की बात करें तो आइज़ और नोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप उनका पेंटिंग कर रहे हो तो, क्योंकि उनकी आई जो है वो ग्रीनिश है और नोज उनका पॉइंटेड है। तो अगर कुछ भी हेयर स्टाइल चेंज हो सकती है या बियर्ड से उनका बाकी लुक चेंज हो सकता है लेकिन नोज और आईज वाला जो पार्ट है वो हमेशा वैसे ही रहता है। इसीलिए कैरेक्टर अगर आप उनका पेंट करना चाहोगे, पेंटिंग में अगर एज इट इज़ करना चाहोगे तो नोज़ और आइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे।
मेरे हिसाब से। ये देखो अभी लाइट वाला पार्ट है दोस्तों, अगर आपने ऑयल पेंटिंग किया होगा तो ऑयल पेंटिंग में जैसे कलरिंग किया जाता है उस टाइप से मैं इस पेंटिंग को कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेड बना के मैं एक दूसरे के बाजू में ही अप्लाई करके फिर बाद में उसको जल्दी जल्दी ही मर्ज कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि इस पेंटिंग को 4 या 5 घंटे में मैं कंप्लीट करूँ, इसलिए मैंने जब ये रेफरेंस देखा था तो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने दिमाग में पूरा प्लान किया था कि मैं पेंटिंग को कहाँ से शुरू करूँगा और कैसे ख़त्म करूँगा। दोस्तों रेफरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे ऋतिक का पेंटिंग एक किया है लेकिन ऐसे नहीं था वो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋतिक थोड़ा अग्रेसिव लग रहे हैं क्योंकि मूवी में शायद उनका नेगेटिव रोल है, इसीलिए उस रोल को निभाने के लिए शायद उन्होंने ये गेटअप किया है या मेकअप किया है। वैसे तो वो बहुत फेयर है आप सभी जानते हो, लेकिन सुपर 30 में जैसे उनको मेकअप किया था वैसे ही शायद इस मूवी के लिए भी उनको किया होगा। जो फेस पे जो टैन दिख रहा है वो भी पेंटिंग में दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो 100% कैरेक्टर मतलब एज इट इज़ तो मैं नहीं कह सकता इस पेंटिंग को मैं करूँगा, क्योंकि जब भी आप 4 या 5 घंटे में आपको पेंटिंग कंप्लीट करना होता है तो कोशिश यही करो कि ओवरऑल पेंटिंग अच्छा दिखे। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये पेंटिंग कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ वो भी मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू।